दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से पहली खबर आ चुकी है और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो खुद सामने नहीं आए हैं, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अब तक ऑफिशियल ये पता चला है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, बट उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये एथलेटिक न्यूज़ है। मगर सवाल ये पैदा होता है जो बनाया गया है टेम्पो कि उन्होंने इसलिए इस्तीफ़ा दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बुरी कारकर्दगी की वजह से, कि पाकिस्तान टीम की बुरी कारकर्दगी इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैथमेटिकली अभी वर्ल्ड कप से बाहर हुई नहीं है। अभी ऐसा इस्तीफ़ा आता होता है अमूमन, मगर वर्ल्ड कप के शो ख़त्म होने के बाद पहले आया है। इसका मतलब है बहुत कुछ, इसका मतलब बहुत कुछ है कि वो कैसे, मतलब आज चेयरमैन पीसीबी ने उनको बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए कि भाई आप क्रिकेटर्स के साथ मिलकर जो कंपनी चला रहे हैं वो बताएं आप हमसे क्यों छुपाए हुए थे और ये सब जो एलिगेशन आप पे लग रहे हैं इसका जवाब दें आप। तो उन्होंने वहीं से ही इस्तीफ़ा अरसाल कर दिया चेयरमैन पीसीबी को कि भाई मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बी चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बाय बाय गुड बाय। मगर मामला ख़त्म नहीं होने वाला ना इस्तीफ़ों का और ना ही इस्तीफे देने से इंजमामुल हक का, मतलब इस्तीफे और मज़ीद आएंगे। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल हुआ, उनके जो जिम्मेदारान हैं उनके इस्तीफे मज़ीद आएंगे और इंजमामुल हक का इस इस्तीफ़ा देने के बाद जान नहीं छूटने वाली। अगर पीसीबी छोड़ भी दे लेकिन मीडिया जो है वो जान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो एलिगेशन उनके ऊपर आए हैं उनको जवाब देना पड़ेगा, खुद कैमरे के सामने आकर उनको उनका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यही जवाब लेने के लिए पीसीबी चेयरमैन ने उनको बुलाया भी था। और पीसीबी से भी सवाल होंगे, ऑफकोर्स होंगे, और पीसीबी के अंदर से भी इस्तीफे आएंगे, टीम मैनेजमेंट से भी इस्तीफे आएंगे। अभी आगाज़ है और ये पतझड़ शुरू हो चुका है, मौसम खजा है पाकिस्तान क्रिकेट का फिलहाल। और दूसरी खास बात के सारे काम के पीछे एक क्रिकेटर, एक सबक कप्तान का नाम जो जुड़ा हुआ है, उनसे भी बात होगी और वो है राशिद लतीफ़। मैं एक चीज़ को देखकर बड़ा मुस्करा रहा था और मैंने कहा कि जिसकी शरारत से ये सब कुछ शुरू हुआ उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा। शरारत किसने शुरू की? राशिद लतीफ़ की एक स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम जो हैं वो फ़ोन कर रहे हैं चेयरमैन पीसीबी को और फिर आला अफसरान को पीसीबी के, मगर वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। और फिर दूसरी खबर ये आई और दावा ये आया कि भाई 5 माह से खिलाड़ियों को सैलरी नहीं मिली और भी काफ़ी दावे हुए और इसके पीछे सब लग पड़े। मैंने एक व्लॉग बनाया जिसमें मैंने बताया था कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, एक्चुअली में ट्विस्ट की गई हैं और मिसकोटेड की गई हैं असल में। तो खैर क्या हुआ, चेयरमैन पीसीबी सामने, और फिर ये मामला भी सामने आया कि बाबर आजम का एक टेक्स्ट मैसेज दिखाया जाता है जो पीसीबी के हाई ऑफिशियल को वो करते हैं, जो कि ऑफकोर्स गलत था। और अगरचे पीसीबी अगर ये कह भी रहा है कि वो बाबर आजम की मर्ज़ी से यूँ दिखाया गया है, तो मुझे लगता है कि अगर बाबर आजम ने कहा कि ठीक है दिखा देना तब भी गलत है, कि बाबर आजम को भी ये नहीं कहना चाहिए था। बट पॉइंट इज़ कि सारा झगड़ा जिस वजह से शुरू हुआ उसको कोई नहीं पूछ रहा। यानी अब ये बात तो तय होगी ना, देखें टेक्स्ट मैसेज दिखाना चाहिए था नहीं दिखाना चाहिए था अलग बहस है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जो राशिद लतीफ़ ने कहा वो झूठ साबित हुआ, इसके ऊपर आप राशिद लतीफ़ को जवाब दें? मतलब एक जिम्मेदार क्रिकेटर हैं आप, आपने एक बात की जिसके ऊपर पूरे मुल्क में आग लग गई, उसके बाद आप आए ना सामने, आप बोलें कि यार, या तो आप कहें कि नहीं मैं ढिठाई दे रहे हैं आपके, मैं कायम हूँ अपनी बात पे, बाबर आजम भी झूठ बोल रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी भी झूठ बोल रहा है, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, या तो आप ये कहें, या फिर आप गलती माने और माफ़ी मांगें कि यार मैंने गलत किया, मुझसे कोई खेल गया, मुझे किसी ने फ्लोट किया, वो गलत किया, मुझे बगैर तस्दीक के ये बात मीडिया में आके नहीं करनी चाहिए थी, आपने इतना बड़ा दावा किया और यूं बना के किया कि मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ आपको, आपने एक बार चेक नहीं किया कि यार मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक भी है या गलत है। अब कप्तान भी कह रहे हैं कि मैंने तो फ़ोन ही नहीं किया, चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं कि मुझे फ़ोन आया नहीं, आपने इतना बड़ा दावा कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट के दो बड़ों को आपने सरेआम बोल दिया, एक किस्म की उनकी इंसल्ट किया आपने, और उसके बाद आप चुप करके तमाशा देख रहे हैं यूँ बैठ के, हंसी जा रहे हैं आप कि मैंने कैसा आग लगाई है। यार पाकिस्तान का सिस्टम ये है, असल में सिस्टम ये है कि हम बेस पे पहुँच, जड़ पे पहुँचते नहीं है कि फसाद असल में शुरू कहाँ से हुआ था। असल में तो यहाँ से शुरू हुआ ना कि राशिद लतीफ़ जो साबिक कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट के, भाई छोटा उदा नहीं है, कोई गली मोहल्ले के पान खोखे की दुकान पे नहीं बैठते, वो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ, और जिनके दो बंदों के बारे में बोल रहे हैं वो दोनों पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े हैं और दोनों कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जिस चैनल पे बैठे हैं उस चैनल वालों को पूछना चाहिए, यार तुमने हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ किया, सरकारी चैनल है, आपने हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ किया, कि भाई ये बताओ जो आपने बोला उसके ऊपर खड़े हो या माफ़ी मांगो बैठ के। लेकिन पाकिस्तान है ना भाई, इसके अंदर कोई नहीं देखता कि यार मामला असल में बेस कहाँ से हुई है, असल में प्रॉब्लम क्या है। असल मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान हॉकी में एक मारूफ माकूला है, जाके हॉकी फेडरेशन में जो भी हॉकी को कवर उनसे पूछ लें, वो कह रहे हैं कि अगर हॉकी को बचाना है ना तो सबक ओलंपियन से दूर रखो, हॉकी हमारी बेहतर हो सकती है, ये सबक ओलंपियन ने बड़ा गर्व किया है हमारा। सेम अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है ना तो हाथ जोड़ के 90s के क्रिकेटर्स को साइड पे कर दो। देखिए ना, जो टीवी पे क्रिकेटर्स बैठे होते हैं, इनमें से किसी का भतीजा है, इनमें से किसी का बहुत अच्छा दोस्त है, किसी का दामाद है, किसी का किस तरह का रिलेशन है, अब सबको मालूम भी है। तो भाई
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ जाएगा फिर? वो तो आएगा ना, ऑफकोर्स वो आएगा। एक क्रिकेटर है जो पहले कोच रह चुका है, अगर वो ये कह रहा है कि इस टीम के कोच, अगरचे वो अच्छे नहीं भी हैं, मैं भी मानता हूँ, मगर उनका ये कहना कि यार ये कोचिंग प्लानिंग ठीक नहीं है, तो क्या माने रखता है? एक बंदा जो पहले चीफ सेलेक्टर रहा, वो आपकी क्रिकेट के ऊपर बात करेगा, उसका बात रखना क्या माने रखता है? अब यही क्रिकेटर हैं, अगर ये पीसीबी के अंदर आएंगे ना, इनको सब अच्छा दिखेगा। वो ऐनक लग जाएगी जिसमें सब अच्छा दिखता है, अब वो ऐनक लगी हुई है जिसमें सब गंदा दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा जितना गंद इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, शायद बाकी डिपार्टमेंट की तरह हो रहा है, हमारे पाकिस्तान का कौन सा डिपार्टमेंट है जो सही है? इसमें भी गंद है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर पॉइंट इज़ कि 90s के क्रिकेटर्स इसमें जितना बढ़ावा दे रहे हैं ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ख़तरनाक है। मतलब आप एक चीज़ सोचें, एक दफ़ा दिमाग लगा के एक चीज़ सोचें कि राशिद लतीफ़ ने ये कहा क्यों, सिर्फ इसके मुझे वजह बता दें, जबकि उनको पता ही नहीं है, यानी उन्हें हवा में छोड़ दी, उनको लगा है पाकिस्तान का सिस्टम है, कुछ ना कौन सा कोई अदालत चले जाने, पाकिस्तान का सिस्टम है ना, मसला ही कोई नहीं है, मैं जो मुंह में आया मैं बोल दूंगा, या उनको किसी ने फ्लोट किया और उन्होंने सब बोल दिया। यार मतलब आप पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में, आप ही बोल रहे हैं ना कि खिलाड़ी अंडर प्रेशर होंगे, आप बोल रहे हैं ना, तो आपकी इस स्टेटमेंट से कितने अंडर प्रेशर होंगे, जब इतना 2-4 दिन इधर आग लगी रही है पाकिस्तान में इस बात को लेके, कि यार चेयरमैन पीसीबी कौन होता है कि बाबर आजम फ़ोन करे और वो फ़ोन ना उठाए? बाद में पता लगा नहीं यार फ़ोन तो हुआ ही नहीं है, ये राशिद लतीफ़ साहब ने ऐसी हवा में फेंक दी। तो यार एक लम्हे के लिए सोचें, उन्होंने ऐसा किया क्यों है? अगर किया तो वो जवाब दें, भाई मैंने मुझे ये बोता पता था, मैंने ये बोल दिया, मैं कायम हूँ, ये ऐसा ही है, बाबर आजम अंडर प्रेशर होके बोल रहे हैं, कि वरना उनको ही पता है कि उन्होंने फ़ोन किया और चेयरमैन ने नहीं उठाया, या तो खड़े हो जाएं अपनी बात के ऊपर, या सॉरी करें कि आपकी वजह से ये सारी की सारी जो फसाद चल रहा है ना, वो आपकी वजह से चल रहा है, आपकी सॉरी से मसला ख़त्म होता है, या आपकी ढिठाई से ही होता है, या आप कहें कि नहीं जब मैंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, मैं आज भी पाँव पे खड़ा हूँ, जाओ जो करना है कर लो, फिर भी मज़ा है यार, बंदा जो कह रहा है फिर ठीक है यार, कह रहा है तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो यार मैं पहले भी एक व्लॉग किया था कि भाई बड़े एक नाम को मत देखो, उन क्रिकेटर को देखो जो बिल्कुल दिल लगा कर आपके साथ काम कर सकते हों। कोई ऐसा क्रिकेटर उठा लें, लाजमी नहीं है कोई बहुत बड़ा स्टार हो, यार स्टार टाइम ही नहीं देगा तो स्टार का क्या फ़ायदा करना है? अगर स्टार को देखना तो कितने बड़े बड़े स्टार हैं, वो कितने अच्छे कोच बने हैं, मुझे बता दें, नहीं आएगा आपके सामने नाम इतना बड़ा। ठीक है, जो मेहनत करता है, जिसको अपना करियर प्यारा होगा ना, कोई भी क्रिकेटर जिसने एज ए करियर चीफ सेलेक्टर बनना है, एज ए करियर कोच बनना है, उसको लें आप, वो छोटा भी हो चलेगा। इंडिया की पूरी टीम मैनेजमेंट में सिर्फ राहुल द्रविड़ बड़े नाम है, बाकी बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, मैं 10 मरतबा बोल चुका हूँ, सब बेचारे बिल्कुल नॉर्मल है, 3-3, 4-4 मैच खेलने वाले हैं, लेकिन वो इतनी मेहनत करते हैं कि उन्होंने अपनी टीम को लाके कहाँ पे खड़ा कर दिया। तो ये पॉइंट है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा काम होना चाहिए, और आपकी इस पर क्या राय है कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।